Good morning, students. Yes, sir. Check. Pustak ka naam bacha. Chapter number 8, page number 43. Check. Name of chapter. Aao naya samaj banaye. Aao naya samaj banaye. नया समाज बनाए कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि हम सभी समाज के लोगों को जाति पाति यानी जाति प्रथा को ऊंच नीच भेदभाव को दूर कर धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। यानी कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हमें आपसी भेदभाव चाहे वो जातिगत हो चाहे वो धर्मगत हो उनको उभला करके हमें समाज का निर्माण करना चाहिए। इस धरती और आकाश सबका यानी ये धरती और ये आसमान ये सभी मनुष्यों का समान अधिकार है। इस पर क्या है? सभी का समान अधिकार है। यह प्रेम का संदेश हम सभी सामाजिक प्राणियों को दें। सामाजिक कहते समाज में रहने वाले प्राणियों को और नए समाज का निर्माण करें। दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं? एक समाज कहते हैं। कभी क्या कह रहा देखें कि आओ नया समाज बनाए। सब हम मिलजुल करके एक नए समाज का निर्माण करें। इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए। धरती है इसको हम स्वर्ग के तुल्य बनाए और हम नए समाज का निर्माण करें। हम सभी मनुष्य मिलकर के एक नए समाज का निर्माण करें। अजी कि जाति पाति के बंधन तोड़े अपने मन की कड़िया जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए। आओ नया समाज बनाए। आओ नया समाज। जाति के आधार पर बटे हुए क्या हुए? जाति पाति के आधार पर जो मनुष्य बटे हुए जाति प्रथा के बंधन में फंसे हुए हैं यानी उन बंधन को आप तोड़े। जो जाति प्रथा है उन बंधनों को क्या करें? तोड़े। अपनेपन की कड़ियां जोड़े। हम सभी को समान भाव से हम सभी व्यक्ति सभी मनुष्यों को समान भाव से समान आदर करते हैं तो एक नए समाज का उत्थान होगा। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ा। प्रत्येक मनुष्य से अपने मधुर संबंध स्थापित करें। एक दूसरे के सुख दुख में यानी एक आपस में हम एक दूसरे के सुख और दुख में काम आए। कब काम आए? सुख में और दुख में दोनों में काम आए। दूसरे का हम दूसरे एक दूसरे का सहारा बने संबल बने मिलकर बैठे हाथ बटाए। हम सभी मिलकर के रहे और एक दूसरे के काम आए अर्थात दूसरे एक दूसरे का जो भी काम है बस हमें हाथ बटाने से तात्पर्य उनके कार्य में सहायता करनी चाहिए। हाथ बटाने से क्या अभिप्राय है? कि हमें एक दूसरे के कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हमें अपना योगदान देना चाहिए। आओ नया समाज मिलन बनाए। हम सभी मिलजुल करके एक नए समाज का निर्माण करें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लास
रितेश यस अनंत अनंत सरस आवाज आ रही नहीं आ रही अनंत अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा नेहा यस सर ओके सर कि इस माटी का कण कण चंदन इसे करे हम सत सत वंदन नई रोशनी की किरणे वन आज सजा दे घर आंगन देखा सा इस माटी का जो कण कण है क्या कण कण वह चंदन के समान सुगंध आनी चाहिए यानी जो धरती की जो मिट्टी के कण है उनमें चंदन किसी सुगंध विद्यमान है ऐसे करें हम सत्वंदन इस भारत की भूमि को हमें सैकड़ों बार सौ सौ बार अभिनंदन करना चाहिए अभिवादन करना चाहिए उसकी वंदना करनी चाहिए उसकी प्रार्थना करनी चाहिए उसकी अर्चना करनी चाहिए यानी जो भारत भूमि है उसकी जो प्रत्येक कणपण है उसमें चंदन के समान सुगंध है इसलिए हम उस भारत की भूमि का सैकड़ों बार वंदन करना चाहिए अभिनंदन करना चाहिए शुक्रगुजार करना चाहिए नई रोशनी की किरणें मन आज सजा दे घर आंगन हम एक नए समाज की स्थापना करके एक नई रोशनी रूपी किरण को उद्दीप्त करें प्रदीप्त करें और आज सजा दे घर आंगन हम अपने आज आज हम अपने घर और आंगन को एक समाज की खुशियों से भर दें और हमें नए समाज का निर्माण करना चाहिए देखें आगे कि मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबको मन में भाव जगाए आओ नया समाज बनाए श्रम को जीवन मंत्र बनाए ऊंच नीच का भेद मिटाए भारत माता के हम सपूत बन नवजीवन की अलख जगाए धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए आओ नया समाज बनाए कि मिलजुल कर आगे बढ़ने का हम सभी मिलजुल कर परस्पर आपस में मिलजुल करके यानी आपसी भेदभाव ईर्ष्या जलन क्रोध सभी को मिटा करके एक स्वच्छंद समाज का निर्माण करें और हम मिलजुल करके आगे बढ़े हम अपने विकास की अनंत सीढ़ियों को प्राप्त करें सबके मन में भाव जगाएं और सबके मन में एक उन्नति का एक आगे चलने का एक उन्नति का एक आगे चलने का आगे अग्रसर होने का सभी के मन में भाव जगाएं भाव उत्पन्न करें आओ नया समाज बनाएं हम सभी मिलकर के एक सुसज्जित समाज का निर्माण करें श्रम को जीवन मंत्र बनाए परिश्रम ही सबसे बड़ा मंत्र होता है उद्योग समम नास्ति परिश्रम के समान कोई भी नहीं है परिश्रम करोगे तो आपको सुख अवश्य मिलेगा और परिश्रम आप नहीं करोगे तो हमेशा दुख मिलता है क्योंकि चक्रापति गच्छति भाग्य पथ आपने देखा होगा एक रथ होता है और रथ में पहिए लगे रहते हैं तो रथ के जो पहिए हैं कभी वो नीचे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर वो घूमते रहते हैं इसी प्रकार
उसी प्रकार ही हमारा वाक्य है, समय है, ये समय का चक्र उसी प्रकार चलता रहता है। किसी मनुष्य के जीवन सो कभी दो कभी सो कभी दो के चरण है, ये चलता रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम। तो परिश्रम जीवन मंत्र, हमें अपने जीवन का क्या बनाए, इसको मंत्र बनाए कि परिश्रम ही सब कुछ है, मेहनत ही सब कुछ है, ऊंच नीच का भेद मिटाए। हमारे मन में किसी के मन में यह ना रहे कि वो ऊंचा है कि ये नीचा है, सभी को समान भाव से समान आदर समान सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि वो जाति से ये है तो ऊंचा है, ये जाति से निम्न है तो ये नीचा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर ऐसे भाव रहेंगे तो कभी एक सामाजिक सुसज्जित समाज नहीं बन सकता है। भारत माता के हम सपूत, हम सभी भारत माता के सपूत है, सिपाही है, सैनिक है, नव जीवन की अलग जगहें, हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए अलग जगाने से मतलब है सभी को जागृत करें। क्या करें, सभी को जागृत करें। धरा सभी की, गगन सभी का, धरा कहते हैं भूमि, ये भूमि भी सभी की है, ये धरती सभी की है, आकाश, गगन कहते हैं आकाश, तो आकाश भी सभी का है, यानी धरती और आकाश इन सभी में सभी का समान अधिकार है, ये नहीं है, है? यही प्रेम संदेश होना, यही संदेश होना चाहिए, यही सभी को संदेश प्रेषित करना चाहिए कि जिस प्रकार धरती और अंबर ये सभी व्यक्तियों का समान स्तर का है, तो हमें एक नए सुसज्जित समाज का भी निर्माण करना चाहिए। देखिए नदियां होती हैं कि नदी में चलो स्वच्छ पानी हो चाहे वो गंदा पानी हो, सब मिलजुल करके जल बन जाता है कि नहीं रहता, जल ही रहता है ना। उसी प्रकार से हमें मनुष्य छोटी जाति का हो चाहे उच्च वर्ग हो चाहे किसी धर्म संप्रदाय से हो, हम सभी को नदी की भांति मिलकर के ही चलना चाहिए, समाज का निर्माण करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा तुलसीदास जी ने, तुलसी या संसार में बाकी माती के लोग, तुलसी या संसार में बाकी माती के लोग सबसों मिलकर चाहिए नदी लाभ संयोग। देखिए तुलसीदास जी क्या कहता है कि तुलसी या संसार में, अजी सर हमें लिखना है, हाँ लिखना है, पहले समझे इसको, पहले आपको समझना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, अनेकों धर्म संप्रदाय से, अनेकों जाति संप्रदाय से संबंधित सभी प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं, सबसों मिलकर चाहिए, हम सभी व्यक्तियों को सभी से हिल मिल करके चलना चाहिए। कैसे, जैसे नदी नाव संयोग, जैसे नदी में नाव मिलकर के चलती है, नदी के ऊपर चलती है नाव, उसी प्रकार से मनुष्य को मिलकर के चलना चाहिए, नदी और नाव के समान मिलकर के चलना चाहिए। जबकि नदी अलग है और नाव अलग है, परंतु जब नाव नदी में चलती है तो उससे बिल्कुल सट कर चलती है, मिलकर चलती है। अजी तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सब सो मिलकर चाहिए नदी नाव से हो। और रही बात परिश्रम की, परिश्रम के लिए देखें
उद्यमेन विसिद्धन्ति। अगले साल को संस्कृत पढ़ेंगे। उद्यमेन विसिद्धन्ति कारणानि नाम भवन्ति। कारणानि नाम मनोरथे ने सिंहस्य नशीनश सुपस्य प्रेमिसंति मुखे मृगा प्रेमिसंति मुखे मृगा कैसे जैसे परिश्रम का सकाम से कि परिश्रम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं मन की इच्छाओं से नहीं परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं मन की इच्छाओं से नहीं मनोरथ कहते हैं मन की इच्छाओं से नैरित्य से सप्त से यानी सोए हुए शेर के मुंह में सोए हुए शेर के मुंह में मृग यानी हिरण अपने आप पेश नहीं करते तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है यानी परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं मन की इच्छाओं से नहीं सोए जिस प्रकार सोए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो अच्छी प्रकार से परिश्रम करें अपनी सर हां जी हां जी प्लीज श्रम को जीवन मंत्र बनाना जो परिश्रम है इस परिश्रम को हमें अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए जीवन में धारण करना चाहिए धरा समय की गलत समय का एक प्रेम संदेश बनाए आओ नया समाज बनाए यानी धरती अंबर इन सब पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है इसलिए हमें सभी ऊंच नीच जाति संप्रदाय धर्म संप्रदाय इत्यादि को छोड़ करके हमें एक सुसज्जे समाज का निर्माण करना चाहिए प्रस्तुत कविता के आधार पर ऐसे नए समाज के निर्माण का भाव अभिष्ट बताया गया है जिसमें सबके लिए एक के लिए जीने की से भाव प्रेरिताओं नए समाज को बनाने की आवश्यकता दिशाएं कविता अंतर में नहीं शिक्षा में माताओं को भी ध्यान में रखें यानी हमें केवल समाज की परम आवश्यकता है आज की इस दुनिया में एक सुसज्ज समाज की आवश्यकता है क्वेश्चन आंसर भेज देंगे भैया आपके मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है सर वो सेवन लेसन के भी कुछ आंसर भेज देना भेज देंगे इनको बता दिया यस सर उतार दिया उतार लिया सभी ने Yes, sir. देखिए इसको कर लेना परोपकार से
से बड़ा परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और किसी को किसी को दुखी करने से किसी को दुखी करने से बड़ा पाप नहीं है लिख लिया हां जी परोपकार कहते हैं दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को दुखी करने से बड़ा कोई संसार में पाप नहीं है उसमें कहा गया है महाभारत में व्यास जी ने लिखा है कि अष्टा दशे पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ना देखिए क्या कहा व्यास जी ने कि व्यास जी के द्वारा रचित 18 पुराणों में से कितने पुराण व्यास के 18 पुराण लिखे हैं व्यास जी ने कितने पुराण लिखे 18 पुराण जिनमें से दो ही वचन श्रेष्ठ हैं 18 पुराणों में से व्यास जी के केवल दो ही वचन कितने वचन दो वचन ही परोपकार है कहते दूसरों की भलाई करना दूसरों की भलाई करना पुण्य माना जाता है क्या माना जाता है पुण्य माना जाता है धर्म माना जाता है पापाय पर पीड़ना और दूसरों को परेशान दूसरों को परेशान करना ही सबसे बड़ा पाप माना जाता है क्या माना जाता है पाप माना जाता है व्यास जी के द्वारा रचित 18 पुराणों में से केवल दो ही वचन श्रेष्ठ हैं परोपकार दूसरों की भलाई करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को परेशान करना दूसरों को पीड़ित करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है क्या माना जाता है पाप माना जाता है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है हां जी उतारिए आप सभी उतारिए और उतार ले तो मुझे बता देना कि हमने उतार लिया है हमने उतार लिया सभी ने उतार लिया अनंत सारस के
रितेश उतार लिया आपने? सॉरी सर। उतार लिया? उतार लिया रितेश? यस सर कर दो। ओके सर। इसी वीक में आपकी होमवर्क की कॉपी चेक होंगी भैया, साफ ध्यान रखें होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए सभी छात्र छात्राओं को। सर सभी छात्र छात्राओं को क्लास करके वो कंप्लीट होना चाहिए। हाँ जी सर, वो आप है ना ये वाली वो दूसरी वाली करवा रहे हैं। हाँ जी, और वो आपको व्याकरण वाली में आपने आज तक होमवर्क ही नहीं दिया। ये व्याकरण में है कि किस में है? श्रुतलेख सर, श्रुतलेख तो व्याकरण में है। तो फिर ये कैसे कह रहे हो होमवर्क नहीं दिया? सर श्रुतलेख में ये आपने व्याकरण में क्या दिया था हमें ध्यान नहीं है। क्या ये आपका लेखन विधि मैंने करा दी फर्स्ट की, कराई कि नहीं कराई? यस सर करवा दी। शब्दों के भेद करवाए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, ग्रामर में किस में है? सर ग्रामर में। तो प्रिया कैसे कह रहे होमवर्क नहीं दिया? ओके सर।